फतेहपुर में प्रचार के आखिरी दौर में वार पलटवार, कांग्रेस नेताओं ने सरकार पर साधा निशाना तो भारतीय जनता पार्टी ने जीत की भरी हुंकार। जिला कांगड़ा के फतेहपुर विधानसभा उपचुनाव में प्रचार के अंतिम दौर में भाजपा व कांग्रेस के बीच सियासी वार पलटवार हो रहे हैं। कांग्रेस के दिग्गज नेताओं ने रामलीला मैदान में रैली कर शक्ति प्रदर्शन किया। नेता विपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री जयराम का स्तर इतना गिर गया है कि अब वे पंचायत स्तर पर क्षेत्रवाद की राजनीति कर रहे हैं। पूर्व राज्यसभा सांसद विप्लव ठाकुर ने बढ़ती महंगाई पर भारतीय जनता पार्टी सरकार की खिंचाई की। डलहौजी की विधायक आशा कुमारी ने कहा कि फतेहपुर में कांग्रेस की जीत 2022 में सरकार की नींव रखेगी। कांग्रेस प्रत्याशी भवानी ने अगले 3 दिन कार्यकर्ताओं को सतर्क रहने को कहा। वहीं फतेहपुर पहुंचे भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने पलटवार करते हुए कहा कि उपचुनावों में कांग्रेस नेताओं के संन्यास लेने का समय आ गया है। एक नेता कह भी चुके हैं कि उनके बूथ पर लीड नहीं मिलने पर संन्यास ले लेंगे। कई कांग्रेस नेता हार सामने देख प्रचार से दूर हैं। कश्यप ने कहा कि फतेहपुर में जीत पक्की है व मुकाबला मार्जिन का है।